इसका मतलब ये है कि अभी जैसे आपको हर क्षण मिलता था, मिलने में आपको मुझे ढूंढते हुए आना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ अगर आपको समस्या हो तो। लेकिन आपको समस्या रहित बना दूं तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, केवल गुरु मंत्र जप कर लेंगे, साधनाएं आपके घर में कर लेंगे, और साधनाएं करते हुए आप मुझे जरूर इस प्रकार की सहायता करेंगे कि मेरी साधनाओं में आप किसी भी तरह अड़चन ना बने। फिर भी आपको ऐसी कोई समस्या आ जाए जिसका निराकरण ना हो तो आप जरूर निखिल चेतना केंद्र में, मैं एक ऐसी ही पेटी रख रहा हूँ जिसमें आपका लिखा हुआ पत्र डाल दिया जाए, उसका जवाब आपको दो दिन में मिल जाएगा। ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मेरी साधना में आपकी ओर से कोई अड़चन ना हो, अगर मैं साधनाओं के लिए चला गया तो चला जाऊँगा। ये भी बात उतनी ही सही है कि मैं साधना के लिए जाऊँगा। यह बात ऐसी ही समस्या एक बार महर्षि वाल्मीकि को भी उत्पन्न हुई। महर्षि वाल्मीकि सीता माता को जब लक्ष्मण जी ने गर्भवती के रूप में जंगल में छोड़ दिया और वाल्मीकि महर्षि ढूंढते हुए गए और उनको सीता माई मिली जो गर्भवती थी, उनको जब सीता माई को बोले कि चलो मेरा यहाँ आश्रम है आपको चलने के है, तो सीता माई ने कहा जिस उद्देश्य से रामचंद्र जी ने मुझे वन में छोड़ा है आप क्यों मुझे लेना चाहते हो? उनका वन में छोड़ने का उद्देश्य क्या था कि मैं जिस कलंक से वहां से निकली हूँ और जो मैं कलंक लगा है उस कलंक को लेकर मैं और भी जीऊं, मैं नहीं जीना चाहती, मुझे छोड़ दो महर्षि वाल्मीकि, आप मुझे नहीं ले जाना। ये सीता माई कह रही थी और महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे ये तुम्हारे दोनों का प्रश्न है, इसका रामचंद्र जी और सीता का, लेकिन आपके गर्भ में पल रहे बच्चों का क्या उसमें क्या कसूर है? क्यों आप उनको शिक्षा देना चाहती हैं? उनके लिए तो आपको मेरे आश्रम में आना ही होगा। महर्षि वाल्मीकि सीता माता को समझा रहे थे कि समस्याएं हर एक की जिंदगी में हैं, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या आ जाए जहां वो छोड़ के गए, गर्भवती को भी छोड़े हैं, ये उनका विचार था। आप आई कि आपका विचार है, आपके रामचंद्र जी के प्रति जो भी आपकी विचारधारा है, आपका सम्मान है, आप गौरव करती है और आप यहाँ आई ये आपके लिए है, लेकिन मैं एक ऋषि के नाते किसी गर्भवती स्त्री को यहाँ छोड़ दूँ तो एक कलंक मुझ पर रह जाएगा, आप मेरे आश्रम को चलो, इन दो बच्चों को जन्म दो, बाद में देखेंगे कि इनको क्या करना है, आप मेरे आश्रम को चलो, सीता माई से प्रार्थना कर रहे। सीता माई उनकी बातों को समझकर ऋषि के कहने पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई, वहाँ निवास किया और हर दिन उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। विश्वामित्र जी से वाल्मीकि जी से पूछ रही थी कि ऐसा हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, और उधर रामचंद्र जी भी उतने ही दुखी थे कि मैं राजा होने के नाते मुझे ये भोगना ही पड़ेगा क्या, मेरी सीता को मैंने जंगल में छोड़ दिया, वनवास में उसकी गति क्या होगी। रामचंद्र जी भी अपनी तरफ से दुखी थे, सारा अयोध्या दुखी था कि सीता माई को गर्भवती के रूप में छोड़ दिया गया। तब माता सीता ने वाल्मीकि महर्षि से प्रार्थना की कि इस गर्भवास के बाद जब ये बच्चे जन्म लेंगे तो क्या आप मुझे जंगल में छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे जब तक बच्चे बढ़कर आगे नहीं जाते कि माता पिता को शिक्षा देने या गुरुकुल देने में, गुरुकुल को भेजने की जब तक शक्ति नहीं आती तब तक मैं आपको यहाँ से उनसे अलग नहीं होने दूंगा। सीता माई रोज अपने आंखों में आंसू आकर कहती कि ऐसा क्यों हुआ, और रामचंद्र जी वहां भी उसी तरह आंसू बहा रहे थे। इन दोनों में कभी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि को लगा कि जाकर रामचंद्र जी को बता दूं कि सीता माई यहाँ है और आप इन्हें लेके जाओ, और सीता माई कहती थी ऐसा मत करो क्योंकि उन्होंने वनवास में छोड़ा है तो वो वहाँ फिर अगर ले जाएंगे या उनको कुछ दुख होगा तो फिर वो आएंगे और उनके वचन की निबद्धता नहीं रहेगी, इसलिए आप उन्हें कुछ भी मत कहो। उधर रामचंद्र जी को बताना नहीं चाहिए, सीता माई यहाँ दुख अनुभव कर रही है, रामचंद्र जी वहाँ दुख अनुभव कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माता, आप कौन से ऐसे देवता है कि इन दोनों को मिलाकर वो सुख प्रदान करिए, ऐसी कोई ऐसा कोई मार्ग बताओ कि सीता और महाराज रामचंद्र जी मिले और वे इस दुख से, मैं इनका दुख तो देखते हुए नहीं रहना चाहता, ऐसा सुख प्रदान करो कि सारा संसार देखते रह जाए, इसके लिए क्या करना होगा।
उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश्वर, रिवन, रामचंद्र जी विष्णु के अंश थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय दो अंश विचरण कर रहे थे, एक परशुराम जी जो विष्णु के अवतार थे, दूसरे रामचंद्र जी साक्षात विष्णु के अवतार थे। परशुराम जी भी चिरंजीवी रहने के कारण वे भी पृथ्वी पर ही थे। तब उन्हें लगा कि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों को, तीनों की प्रार्थना की और कहा कि कुछ न कुछ तो इसमें आपको बताना है कि हमें हमारा उद्धार कैसे हो, इस माता सीता का उद्धार कैसे हो। सीता ने दो बच्चों को जन्म दिया, सीता माता ने जन्म दिया और वो दो बच्चे बहुत ही सुंदरता से मिलते। वाल्मीकि महर्षियों ने अपनी सुंदरता के साथ उनको पाल पोषण कर रहे थे, वो दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। तो जब वो बड़े होकर महर्षि वाल्मीकि के पास विद्या अभ्यास कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बहुत सुंदरता से ये अभ्यास कर रहे हैं। सीता माई को भी प्रसन्नता हुई, लेकिन सीता माई ने कहा कि महर्षि अब मेरा कर्तव्य क्या है वो बता दो, कि वो तो बड़े हो गए, उनका बड़ा होना भी उतना ही सही है और रामचंद्र जी भी अपनी जगह है, उन्होंने कभी मुझे ढूंढने के लिए कुछ नहीं भेजा और मैंने भी आपको मना कर दिया कि उनके पास जाने के लिए, अब मेरा कर्तव्य क्या है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके बच्चों को आपने दिया है उनके बाप को ये बच्चे सौंप दो और उसके बाद देखेंगे कि आप आश्रम में रहती है रामचंद्र जी आपके बारे में क्या कहते हैं। तुमने जो गर्भ में धारण जिनकी वस्तु है उनकी वस्तु उनको दे दो, बाद में देखेंगे क्या होना है। लेकिन वो वस्तु उन तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए। सीता माई कहने के लिए तैयार नहीं थी, जाके रामचंद्र जी को बता दो कि यहाँ लोग कुछ है, और रामचंद्र जी ढूंढने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने सीता को एक बार वनवास में भेज दिया हूँ, मैं जाकर ढूंढ के लेके आऊँ, ये उनका कर्तव्य भी नहीं, तो आगे हो कैसे। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि माँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जी से प्रार्थना करने के बाद, महालक्ष्मी, महाशिष, महाकाली को प्रार्थना करने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, प्रभु इन सभी से एक आदि पराशक्ति है जो ऊपर ललिता भट्टा भट्टारिका है, बड़ा भट्टारिका है, जो देवी महालक्ष्मी महाशिष जी जिनके पास जिनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जिनके पाँव के नीचे बैठे हुए हैं, शिव जी के ऊपर वो आसनाधीन रूढ़ है, ऐसी माता को क्यों नहीं पूछते कि इसके बारे में क्या हुआ है। जब घर में हम पूर्ण दरिद्र से थक जाए, अपने कोई 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 काम पूर्ण ना हो, अपने को कोई रास्ता ना हो, रास्ता न ढूंढ रहे हो अपने पास ना हो, हम कहीं जंगल में वास कर रहे हो और हमें सुख शांति की कामना हो, तो उस समय उस लेता भरा भट्टारिका की साधना करनी चाहिए। आज तक आश्रम में इतनी बार कहा और बहुत सारे लोगों को भी ये बात कही है कि ललिता साधना करने के लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन आज आयेन्द्र योग है और गुरु पूर्णिमा है, इंद्र का योग है और आज गुरु पूर्णिमा है, इस गुरु पूर्णिमा में हम माता ललिता को अगर आराधना करते हैं तो हम भी राजा तुल्य जीवन जीते हैं, ऐसा कहा गया है। हम महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को कहा कि सीता माता दुखी थी और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी साधना करना या कुछ होता नहीं, तो उन्होंने छोटी सी साधना कहते हुए कहा कि सीते माँ तू थोड़ी साधना इसलिए कर कि जिनके बच्चे जिनको सौंपना है वो आकर उनके बच्चों को ले जाए, जब आपके आपको ऐसा लगे कि कोई भी मार्ग नहीं है मुझे इस दुखों से बाहर आने का, कोई मार्ग नहीं है मुझे, कोई देवता मेरी सहायता नहीं करते, कोई ऋषि मेरी सहायता नहीं करते, आपको ऐसा लगे, असंभव सा लगे, तब हम माँ ललिता की शरण में जाना चाहिए कि ललिता महाविद्या एक ऐसी महाविद्या है जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे शरीर का ज्ञान ही ललिता है, तुम अगर बैठ जाओ तो जिस प्रकार तुम बैठे हुए हो उसका ही वही ललिता यंत्र बनता है। ललिता यंत्र तीन चार प्रकार का है, एक मेरुपृष्ठ श्रीयंत्र है, भूपृष्ठ श्रीयंत्र है, कुरुपृष्ठ श्रीयंत्र है, ये आजकल संसार में मिलने वाले श्रीयंत्र है, इसमें हर एक श्रीयंत्र का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना विधान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को कहा कि हे सीते तेरे लोकुशों को ले जाए रामचंद्र जी के अगर लेके जाए तो उस आदिपराशक्ति का तुम आराधना करो, और उन्होंने ललिता माता की आराधना माता सीता को करने के लिए कही। सीता माई ने पूरी निष्ठा के साथ उस साधना को संपन्न करने का निश्चय कर लिया। वो साधना 40 दिन की थी, रोज 1000 फूल लगते थे जो लोकुश जाकर फूल तोड़ के आकर उस माता को वो फूल चढ़ा देते थे और अपनी इच्छा बोल देते थे कि रामचंद्र जी अपने बेटों को अपने साथ आनंद और प्रसन्नता के साथ ले जाए, ये उनकी इच्छा थी, इस इच्छा से वो अपने पास आकर ले जाए, ऐसी सीता माता की इच्छा थी। और रामचंद्र जी ने वहाँ अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ से पूछा कि मेरी सीता कैसी है और कहाँ है,
उनकी भी इच्छा थी कि सीता मुझे मिले, लेकिन जनता के कारण, राजा होने के कारण, प्रजा के उद्देश्य से वे सीता माता के बारे में ढूंढ नहीं रहे थे। वो कहते थे कि अचानक अगर सीता माँ मिल जाए तो मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने भी उनको श्री रामचंद्र जी को ललिता साधना समझे। आपको पता है लव कुश रोज माता को पुष्प ला के दिया करते थे और सीता माई उस पुष्पों से ललिता माता की आराधना करती थी। यह आराधना उनके जीवन में उस समय सफल हुई जब रामचंद्र ने अश्वमेध याग करने का संकल्प लिया, और अश्वमेध याग करने के लिए जब उन्होंने संकल्प लिया तो अश्वमेध याग में पत्नी का साथ होना जरूरी होता है, पत्नी अपने बगल में बैठे और उनकी साधना हो ये जरूरी होता है। तब उन्होंने ऋषि से पूछा कि मेरी पत्नी तो है नहीं, आगे कैसा करना चाहिए, मुझे ये भी बताएं कि पत्नी का क्या हुआ। रामचंद्र जी कह रहे थे और वशिष्ठ विश्वामित्र दो ज्ञानी थे, उन्होंने जानकर कहा कि तुम एक स्वर्ण प्रतिमा बनाओ और सीता माई की तरह बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और तुम्हारे बगल में रखकर उसका उस याग को पूर्ण करो। रामचंद्र जी अपनी अनिच्छा से ही उस साधना को, उस अश्वमेध यज्ञ को करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। और वो जब उस साधना को, साधना में अश्वमेध याग की साधना में बैठ गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र देख रहे थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सारे लोग भी अपनी अपनी जगह अपने उस दुख को भुलाने के लिए उन्होंने अश्वमेध याग का संकल्प लिया और अश्वमेध याग कर रहे थे। अश्वमेध याग आरंभ हुआ, जैसे ही शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम के पास आए, लव कुश जो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी माता और अपनी वाल्मीकि ऋषि होने के कारण उनको युद्ध का कौन कलाएं सिखाई और वो युद्ध हुए और उन्होंने अश्वमेध को पकड़ लिया। उसके बाद में आपको सबको पता है कि उस पकड़ लेने के बाद लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब हार गए। वैसे तो हनुमान जी भी अपने आप में बन गए, केवल वो ललिता माता की साधना थी। और बाद में जब रामचंद्र जी आए उनको युद्ध से उद्धृत किया गया तो उन्होंने कहा कि हे बच्चे तुम कौन हो, तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा हे राजा तुमने इस अश्व पर लिखा हुआ है कि जो इस के साथ युद्ध करके जीतेगा तो ही तुम्हारा अश्वमेध याग पूर्ण होगा, हमें जीतो और तुम्हारा अश्वमेध याग पूर्ण करो। ऐसा वो दो बच्चे कह रहे थे जो लव कुश थे। उनका युद्ध झंझोर आरंभ हुआ, तब ये पता चला, हनुमान जी ने जाकर देखा कि ये पुत्र किनके हैं, तो हमने सीता माई पूजा करती हुई नजर आई। और जब जाके महर्षि वाल्मीकि को पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा हाँ ये सीता माई के गर्भ से उत्पन्न हुए लव और कुश दोनों हैं। उन्होंने आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास गए और उनके चरणों में नमस्कार करके कहा सीता माई जिंदा है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और ये दोनों पुत्र भी आपके हैं। दोनों पुत्रों को भी कहा ये तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र जी है। तब सभी लोग एक दिन मिलकर आए तो सीता माई भी भागते हुए आई और रामचंद्र जी को देखा। महर्षि वाल्मीकि को पूछा कि प्रभु मैंने मेरे प्रभु को देख लिया, अभी मेरे आगे का कर्तव्य क्या है। तो उन्हें कहा कि तेरे दो पुत्रों को जो तूने दिए हैं वो रामचंद्र जी को सौंप दे, क्योंकि वो तेरी धरोहर है, उनकी धरोहर है, उनका उनको सौंप दे। और लव कुश को माता सीता ने कहा ये तुम्हारे पिताजी है और आज से तुम तुम्हारे पिताजी के पास रहना होगा। लव कुश दोनों ने कहा कि माँ क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तो सीता माँ कहती है कि वचनबद्ध हूँ, रामचंद्र जी का एक वचन, एक बाण और एक पत्नी का व्रत है और उनके वचन को तोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, मैं जंगल में ही रहूंगी, यही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहूंगी। तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एकदम निकल गया कि माँ तू अकेले में तुझे यहाँ रहना रखना नहीं चाहता। तो सीता माई हंसी और रामचंद्र जी की तरफ देखकर उसने कहा महर्षि वाल्मीकि आपको भी मैं कष्ट नहीं दूंगी, मैं तो मैं मेरे माँ के पास चली जाऊंगी। और उन्होंने अपने माँ का आह्वान किया और सीता माँ अपने माँ के साथ चली गई। उसका दुख तो वाल्मीकि को भी हुआ, रामचंद्र जी को भी हुआ और लोग कुछ देखते रहे। लेकिन इसमें ये हुआ कि अंत में जिस चीज को प्राप्त करना था, ललिता माँ का की आराधना से माँ सीता ने अपने पुत्रों को रामचंद्र जी को दे दिया। रामचंद्र जी अपने पुत्रों को लेकर अश्वमेध याग पूर्ण किए और उन्होंने कहा कि इस संसार का, वाल्मीकि महर्षि ने कहा कि इस व्रत से जो दूर हो गए थे उनको एक तरफ मिलना हुआ। लीता साधना ही एक ऐसी साधना है कि संसार में उस साधना से बढ़कर जो हम हर तरह से थक जाते हैं, कोई काम नहीं होता, ग्रह हमारे ऊपर काम करने लगते हैं, उस समय अगर हम ललिता माता की साधना करते हैं तो हमें
श्रेष्ठ रूप से उस साधना का फल मिलता है, क्योंकि वहां माँ ललिता के पांव के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश रुद्र बैठे हुए हैं, शिवजी के ऊपर बैठी हुई है, महालक्ष्मी महासरस्वती पार्वती माता उनको हवाएं डोल रही है और वीणा दे रही है, इस प्रकार सेवा कर रही है। ऐसी माँ ललिता तीन रूपों में हर दम रहती है। सुबह बालक त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है, दोपहर में षोडशी त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है, और शाम में ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार एक बार की कहानी मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, लेकिन फिर भी दोहराता हूँ कि ललिता की आराधना कौन करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों भी बैठे हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस को देखकर कोई भी शिष्य अपने गुरु की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। उसने रामकृष्ण परमहंस को कहा, प्रभु काली माता को रोज खाना खिलाते हो, शायद आज के संसार में आपके उतना महान गुरु तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस हंसकर बोले, तुमने दुनिया ही कहाँ देखी, एक अगर हैदराबाद में बैठकर लंदन अच्छा है या हैदराबाद अच्छा है तो मैंने हैदराबाद देखा, हैदराबाद ही अच्छा है, लंदन को भी कभी देख तो तुझे पता चल जाएगा। तूने एक रामकृष्ण परमहंस को देखकर कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस ही श्रेष्ठ है, तूने दुनियादारी कहाँ देखी है। मैं तुझे बताता हूँ, मेरे से श्रेष्ठ गुरु को मैं तुझे बता देता हूँ। विवेकानंद ने कहा, हो ही नहीं सकता, तुम देखते रहना मैं बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि कलकत्ता से एक 20 किलोमीटर दूर एक बहुत महान भाव रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, जिनका नाम रामचंद्र उपाध्याय है, तुम उनके पास जाओ और उनके घर में एक बार उनसे मिलने कर आ जाओ, फिर बाद में मुझे कहना। अब जब गुरु कह रहे हैं तो महान विवेकानंद जी उनके पास गए और देखते क्या है कि एक 5 शिष्यों को लेकर और रामचंद्र उपाध्याय जी कुछ वेद पढ़ा रहे थे। तो देखा, उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरे गुरु ने आपको आपके पास भेजा है। तो कहते हैं कि बैठ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। वेद पढ़ा रहे थे तो थोड़ी देर में देखता है कि घर पूरा सुना सुना है, घर में कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ गोबर से लीपा हुआ घर है और अकेले वो बैठे हुए, एक धोती छोटी सी है और उसके ऊपर अपना पंचायत गमछा डालकर बैठे हुए हैं और 5 शिष्य सीख रहे हैं। विवेकानंद के दिमाग में क्या आया कि ये गुरुजी ने मुझे कहाँ भेजा, इसको इनको महान है ऐसा कहते हुए मेरे पास इनको भेज दिए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, घर भी तो खाली खाली है। उतने में एक छोटी सी 6 साल की बच्ची रोते हुए आई और कहा कि प्रभु मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने देखकर उस बच्ची की तरफ हंसकर कहा, तुम्हारा खाना मिल जाएगा, तुम ठहर जाओ। विवेकानंद का माथा ठनका। विवेकानंद ने कहा, जो अपने घर में एक बच्ची को खाना नहीं खिला सकता, ऐसे गुरु के पास मुझे इन्होंने भेजा है रामकृष्ण परमहंस ने, क्या गुरु है और क्या शिष्य है, हट या नहीं रहने का। निकल के आगे रामकृष्ण परमहंस के पास आ गए और बोले कि किसके पास भेजे हो आप, कौन से बच्चे, अपने बच्ची को खिला नहीं सकता, 5 शिष्यों को लेकर बैठा हुआ है, जो 5 शिष्य भी ऐसे हैं जो बच्ची को खाना नहीं खिला सकते और उसको बाद में आने के लिए कह रहा है, ऐसे गुरु के पास भेजते हो जो असमर्थ है, जो अपने बच्चियों को नहीं खिला सकता, वो देश का क्या उद्धार करेगा। रामकृष्ण परमहंस हंस गए, हंसकर कहा, तूने उसके बाल का कार्यक्रम नहीं देखा बेटा, तू ऐसा ही आ गया है, बाद में क्या होता था जरा देखो ना, देख तो लेना था। बाद में क्या होता है, तो फिर भी जाकर तो आ जाए, जा फिर जा, मैं जब कह रहा हूँ गुरु का कथन था। और विवेकानंद जी फिर एक बार गए गुरु के कहने पर और जाके द्वार पे खड़े रहे, तो उसी समय एक पोस्टमैन आया, तब कार्ड पहले ओपन कार्ड रहते थे, पोस्ट कार्ड ओपन रहता था, तो उन्हें ओपन कार्ड ले लिया, देखा तो उसमें ओपन कार्ड रहा तो पढ़ना ही चाहिए, पहले पढ़ने की नहीं बात हुई, लेकिन गुरु नहीं थे, गुरु अंदर थे और ये सब लोग वहाँ थे, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिया, पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था कि एक वैगन में गेहूँ, एक वैगन में शक्कर, एक वैगन में पूरा धान्य धन धान्य सब भेज रहे हैं, नीचे दस्तक था काशी विशालाक्षी, काशी की कोई जो विशालाक्षी है ये सब धन्य भेज रही है। रामकृष्ण परमहंस अपने इस रामचंद्र उपाध्याय को ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, ये कार्ड ले लो, कार्ड ऐसा दे ही रहे थे चट्टोपाध्याय कि उतने में से सब सामान उतर के घर में आ रहा था, एक वैगन गेहूँ चावल गुड़ जो जो भी खाने की चीजें थी पूरे बर्तनों के साथ लोग आ रहे थे, एकदम देखते देखते जो खाली घर था पूरा भर गया। विवेकानंद देखकर परेशान हो गए, बोले भाई आपका कोई शिष्य है क्या काशी में विशालाक्षी नाम की जो एकदम ये सब खाना भेजे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी आप एक आधा घंटा ठहर जाओ। अब कुतूहल हुआ विवेकानंद को कि खाली घर देखते देखते भर गया, किसने भेजा ये सब, क्या हुआ। वो देख रहे थे तो उतने में बहुत सारे लोग आए और खाना पक गया, केवल एक घंटे के अंदर अंदर सारा खाना बहुत सुगंधता के साथ ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे खाना खाना चाहिए। विवेकानंद बोले माल आया भी, खाना पक गया भी, अब आगे क्या होना है देख। उनका कुतूहल और भी बढ़ता गया,
तो थोड़ी देर के बाद देखती क्या है कि उन्होंने देखा था कि छोटा सा घर था तो वहाँ एक कमरा था। बोले गुरु जी कब आएंगे, आज गुरु जी की पूजा है वो नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गुरु जी की पूजा है नहीं आएंगे, फिर कैसा, मुझे तो मिलना है। नहीं आप ठहर रहो गुरु जी आने के बाद। तो गुरु जी है कहाँ, बोले गुरु जी इस कमरे में। अब विवेकानंद जैसे आदमी थे, हमारे भी लोग हैं, अगर गुरु जी अंदर बैठे तो हम घर में झांक कर देखते हैं खिड़की से लेकर दरवाजे से कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। अब विवेकानंद भी वैसे ही थे, उनको भी लगा कि झांक कर देखेंगे तो सही कि ये गुरु जी अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने जैसा ही अंदर दरवाजे से थोड़ा सा झांका, ये बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा रूम था और उसमें बहुत सारे लोग खाना खाने बैठे थे, दिए जलाए थे, बहुत सुगंध आ रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लोग बैठे हुए जो खाना खा रहे थे वो लोग जमीन पर नहीं, जमीन से उठकर बैठे हुए थे। ये देखकर विवेकानंद का माथा ठनका, बोले ये ऐसा हो क्या रहा है ये। अब उनको वहां से जाने की इच्छा नहीं हुई, मेरे गुरु ने कहा है तो ये कुछ ना कुछ यहाँ चमत्कार है ही है। उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद सब खाना वगैरह सब हो गया, आरती हुई जोर से, बहुत सुगंध के साथ सब लोग खाना खा लिए। और उसके बाद गुरु जी कोई 3-4 बजे बाहर आए और बोले कोई बाहर खाना खाने वाले है क्या, जैसे विवेकानंद को देख नहीं रहे। विवेकानंद, मैं विवेकानंद हूँ, मैं विवेकानंद बोल रहे हैं और उन्होंने नहीं देख रहे उनको। देखा तुम रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो। हाँ रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हो। और बेटा आप तुम भी खाना खा लो, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो बाद में मैं खाना खाता हूँ। पहले ये बताओ कि अभी आपके पास जो लोग खाना खा के गए थे वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। कलकत्ता तो कोई नहीं था यहाँ, ये तो मैं देखता हूँ जानता हूँ, कलकत्ता के लोग तो हो ही नहीं सकते और मैं यहाँ रामपुर के लोग हो नहीं सकते, तो ये लोग है कौन, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले हैं। प्रभु तू खाना खा ले, मैं बाद में बता देता हूँ उसमें क्या है, तू सुनते हो। विवेकानंद ने कहा पहले बताओ बाद में मैं खाना खाता हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे बताने से पहले, क्योंकि तू रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है इसलिए मुझे बताना हो उन्होंने किस उद्देश्य से तेरे को मेरे पास भेजा है, मुझे पता है। कल तू देखा था कि 6 साल की लड़की रोते हुए आई थी, वो मेरी ललिता बाला त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वो मेरे घर में पलती है, घर में ही रहती है। और आज उसको मैंने नैवेद्य बनाया था, सारे देवता खाना खाने के लिए आए थे, जो तूने देखा है और जमीन को बिना पूछे हुए मैं रोज ललिता की आराधना करता हूँ, ललिता की आराधना करता हूँ। और ललिता की आराधना के बाद मैं जब ललिता की आराधना करता हूँ, जिसके पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भिखारी के रूप में है, महर्षि महासती महाकाली तो जिसकी सेवा करते हैं, तो वैसी ललिता की आराधना करने वाला मैं किसी को कुछ नहीं मांगता। कल एक दिन का लेट हो गया था, एकादशी का द्वादशी, तो आने के लिए लेट होने के कारण माता विशालाक्षी से मेरे को अन्न का भंडार आने के लिए लेट हो गया। मेरे तो रोज काशी विशालाक्षर पावन शक्ति पीठों से हर रोज एक एक अन्नदान का भंडारा इसी तरह आता है, एक दिन लेट होने के कारण से लिखा है कि मेरे पास आता है। मैं वो ललिता उपासक हूँ, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता, मैं किसी को कुछ मांगता हूँ, केवल ललिता की उपासना करता हूँ और घर में बैठ जाता हूँ। और मेरे पास देवता स्वयं अन्न डाल के जाते हैं, देवता अन्न पकाते हैं और देवता अन्न खा के जाते हैं। ललिता की उपासना इस प्रकार होती है, जो ललिता उपासक होता है उसको किसी देवता के पास मांगने का जो मांगने की जरूरी नहीं पड़ती, ऐसी ललिता उपासना है। और जो इस ललिता की उपासना को करते हैं और ललिता की उपासना अपने पास रखकर करते हैं, जो हम तो मामूली इंसान, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और बहुत बार मैंने ये बात सभी लोगों को कही भी है कि ललिता की उपासना खेल नहीं है, उसको ललिता की उपासना करते समय तुम ऐसा मत करो। ललिता की उपासना का अर्थ होता है कि प्राइम मिनिस्टर को घर में रखना, प्राइम मिनिस्टर को घर में रख सकते हो, पूरी सिक्योरिटी झट सिक्योरिटी होती है, उसके साथ साथ उसके शिष्य, पहले खाना खाया जाता है बाद में खाना खिलाया जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर को अगर घर में रखना है तो हमारे को कम से कम 10 दिन पहले से सोचना पड़ता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर वाली चीज है। अगर तुम ललिता की उपासना करते हो तो तुम सारे देवताओं को इकट्ठा, सारे देवता ही तुम्हारे घर पर आने की क्रिया करते हैं, तो तुम ललिता की उपासना किस तरह करनी चाहिए, कौन सारे ललिता की उपासना कर सकते हैं। मैं केवल वर्ष में 2 बार ललिता की उपासना करता हूँ, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि में, जिसमें ललिता पंचमी होती है और बसंत पंचमी के दिन, इसके सिवा ललिता माता के पास नहीं जाता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि माँ मुझे गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी सिद्ध नहीं हुए, उनको ही नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया, मैं तेरे पास पहुंचने की शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक बार बुलाकर कहा था, जोशी अपने घर में चिरस्थाई वाला यंत्र न रखते हुए, जो स्थाई यंत्र है ऐसा यंत्र न रखते हुए, जब अपने घर में कोई ऐसी समस्याएं हो जिस समस्याओं से हमारा समाधान ना हो सकता हो और हम उस समाधानों से समाधान पा सकते हो, तो ऐसा अस्थिर श्री यंत्र अपने घर में रख सकते हैं जो 1 वर्ष के बारे में रखने के बाद घर में किसी प्रकार का दोष हो, अपने पति पत्नी में सुख न हो, अपना पुत्र अपने को हित नहीं था, किसी देवता ने तुम्हारे घर में श्राप दे दिया हो, किसी भूत प्रेत पिशाच तुम्हारे ऊपर तंत्र का काम करते हैं, कोई
ऐसा आदमी तुम्हारे ऊपर तंत्र प्रयोग करके गया, घर में सुख शांति नहीं है, तुम्हारे घर में आत्माएं घूमती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें मारने आता है, या ऐसी कोई तंत्र बाधाएं तुम्हारे घर में चल रही हो, और पर्टिकुलरली आज तक एक सब लोग एक चीज से बहुत बाधित है, कोई भी तुम्हारे घर में आ जाता है और कह देता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा घर खोदो, तुम्हारे घर में धन है, और साला वहां बेचारा घूमते रहता है लाखों रुपए ले लेगी कि धन घर में धन है, घर में धन है, घर में धन नहीं होता, उल्टे इसके लाख के लिए 10 लाख चले जाते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। लेकिन जिसके घर में पूर्ण पुरुष संयंत्र होता है उसके घर में धन अगर हो तो बराबर बाहर आ जाता है, गारंटी के साथ बाहर आ जाता है उसकी साधना करने पर। लेकिन वो साधना करने वाला या बताने वाला इस संसार में कोई नहीं। और उसी तरह अपने घर में कोई देवताओं का श्राप चल रहा हो, कोई देवताओं को हमने मन्नत की और भूल गए हो, कोई भूत प्रेत दिशा या फिर अपने आत्माओं से अपने घर में कष्ट पहुंचा रहे हो, क्योंकि वो सब लोग भी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के अधीन हैं, और उसकी अधिष्ठात्री देवता ललिता माँ कही गई है। उसको हम अगर ललिता यंत्र को जो अस्थिर है, स्थिर ललिता यंत्र की बात नहीं मैं नहीं करता, स्थिर स्त्री यंत्र की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अस्थिर स्त्री यंत्र की बात कह रहा हूँ, वो अगर हमारे घर में हमारे पूजा स्थान में उस अस्थिर स्त्री यंत्र को रखा जाए और हम केवल केवल और केवल ओम श्रीम ललिताई ह्रीम ऐं फट, श्रीम लक्ष्मी बीज है, ह्रीम भुवनेश्वरी माता पार्वती का बीज है और ऐं सरस्वती का बीज है, इस प्रकार हम श्री ओम श्रीम ललिताई ह्रीम ऐं फट इस मंत्र को हम पांच माला जब अगर ललिता यंत्र के सामने कुरु पुरुष यंत्र के सामने करते हैं, और उसके साथ साथ ललिता का एक स्तोत्र है जिसमें कहा गया है कि माँ मेरे को तुम्हारे इस स्तोत्र के सिवा मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता, मेरे को पाप पुण्य नहीं मालूम, मुझे कोई देवता की आराधना करना नहीं है, मेरे से कोई गलती होती है तो माँ तुम क्षमा करो, ऐसा कहते हुए उस स्तोत्र में कहा गया है। यानी हम अगर उस यंत्र को साधना करते हुए केवल ललिता और श्री विद्या का उपासना में, पहले गुरु पूजन के सिवा ललिता की पूजा है ही नहीं, माता ललिता प्रसन्न होती ही नहीं, पहले गुरु पूजन होना चाहिए, पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद ही ललिता की पूजा माँ ललिता की पूजा होती है। मैंने आप सभी लोगों के लिए मैंने पहले ही कहा है कि अगले 3 साल में मैं साधनाओं के लिए चले जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में ऐसा कोई तांत्रिक प्रयोग ना हो, तुम्हारे घर में ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का श्राप ना हो जो तुम दुख अनुभव करे, कोई ऐसे लोग अगर श्रापित ना करे आपको या आपको भूत पितृ देवताओं की कोई आपको अड़चन ना हो, इसलिए ऐसे संयंत्र को तुम 3 साल रखे और 3 साल के बाद 3 साल का एक दिन वो यंत्र मुझे वापस कर दे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वो संयंत्र दे रहा हूँ, जो अस्थिर संयंत्र है आपके घर में रख लेना चाहिए, और आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो केवल गुरु मंत्र जप करते हुए उस संयंत्र पर एक फूल चढ़ा दो और ओम श्रीम ललिता ह्रीम ऐं फट इस मंत्र का एक माला या 5 बार बोल के घर से निकलो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, ऐसा संयंत्र करके आपको दे रहा हूँ। आप उस यंत्र को अभी 10 मिनट में लेकर आएंगे, उसका स्तोत्र और यंत्र मैं आपको दूंगा, उसके साथ एक बिंदु रूपेण, एक बिंदु है जो ललिता कुरु पुरुष यंत्र में रखी जाती है, और उस बिंदु की श्रेष्ठता है मैं आगे आने के बाद समझाऊंगा, एक भजन होगा, यंत्र आप लेकर आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें हो जिस घर में किसी प्रकार का दुख हो उस दुखों का निवारण करने के लिए उस यंत्र को आप अपने पास लेकर आ जाएंगे। नहीं इसको चपरी साधना